नमस्ते, स्वागत है आपका टेक्नो माइंड्स में। और आज हम लोग सीखने वाले हैं हाउ टू 3D प्रिंट इन हिंदी, वो भी सिर्फ 5 सिंपल स्टेप्स में। स्टेप नंबर 1, टू 3D प्रिंट समथिंग यू विल नीड अ 3D प्रिंटर। तो मार्केट में अवेलेबल हैं दो तरह के 3D प्रिंटर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला है तुम्हारा FDM 3D प्रिंटर और दूसरा है तुम्हारा रेजिन 3D प्रिंटर। FDM 3D प्रिंटर फिलामेंट का यूज करता है और रेजिन 3D प्रिंटर, जैसे कि नाम बोल रहा है, रेजिन का। 3D प्रिंटर्स के बारे में जानना है तो फिर यू कैन मेक अ 3D प्रिंटर, और 3D प्रिंटर्स को एज अ टूल इस्तेमाल करना है तो यू कैन गेट अ 3D प्रिंटर। स्टेप नंबर 2, आखिर 3D प्रिंट करना क्या है, तो वो मॉडल मिलेगा कहां से? या तो आप उसको 3D मॉडल कर सकते हैं या तो फिर उस 3D मॉडल को आप किसी वेबसाइट से निकाल सकते हैं। सो स्टेप नंबर 3, आपके पास है एक 3D फाइल और एक 3D प्रिंटर। उस 3D फाइल को एक 3D प्रिंटर प्रिंट कैसे करेगा? फाइल जो है वो है STL, OBG और पता नहीं कितने सारे फॉर्मेट में, और इसे चाहिए एक जी कोड, और वहां पे काम आता है एक स्लाइसिंग सॉफ्टवेयर का जो कि आपके 3D प्रिंटर के हिसाब से उस STL फाइल को स्लाइस कर देता है ताकि ये लेयर बाय लेयर प्रिंट कर सके। तो आपने अपना 3D मॉडल ढूंढ लिया है जो कि आपको प्रिंट करना है, और उसे आपने अपने स्लाइसिंग सॉफ्टवेयर में डाल दिया है जो कि है यहां। तो आपने अपना 3D मॉडल डाल दिया स्लाइसिंग सॉफ्टवेयर में और उसको कर दिया है स्लाइस, पर ये प्रिंट कैसे होगा इस पे? ठीक है, यू विल नीड पेन ड्राइव और SD कार्ड जो भी आपका 3D प्रिंटर एक्सेप्ट करता है। आपको अपने पेन ड्राइव को इसमें डाल करके उस जी कोड को उस स्टोरिंग डिवाइस में सेव करना है, और फिर वहां से उस स्टोरिंग डिवाइस को निकाल के अपने प्रिंटर में लगाना है। ये यू गॉट योर 3D प्रिंटिंग फाइल इन ये प्रिंटर पे, वेरी गुड, नाइस। दिस इज द लास्ट स्टेप। ओके, आपने अपना 3D प्रिंटेबल फाइल जो कि जी कोड था इसमें डाल दिया है, तो अब क्या सीधे प्रिंट का बटन दबा दे? नहीं, उससे पहले आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज चेक करना पड़ेगा कि आपका बेड जो है, जो सरफेस है, वो लेवल है या नहीं एक्सट्रूडर से। अगर आपके पास ऑटो लेवलिंग है 3D प्रिंटर में तो बेस्ट, बहुत बढ़िया, कोई चिंता की बात नहीं है, और नहीं है तो जाकर बेड लेवल करो, क्योंकि अगर बेड लेवल नहीं रहेगा तो फिर फर्स्ट लेयर नहीं चिपकेगा, और फर्स्ट लेयर नहीं चिपकेगा तो पूरे 3D प्रिंटिंग फाइल का सत्यानाश। बेड लेवलिंग माने बेड लेवल मतलब उसके चारों तरफ से एक्सट्रूडर से सेम दूरी उसके सरफेस पे। तो अब आप 3D प्रिंटिंग सीख चुके हो और हमारी फाइल भी प्रिंट हो चुकी है, देखो बस ऐसे ही 30 सेकंड में हो जाता है 3D प्रिंटिंग प्रिंट हो जाता है, बस मात्र 6 घंटा लगा इसको।